इनकी सरकार राजस्थान में और वहां पे होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में और प्रदेश में जो घोषणाएं की थी, जो चुनावी वादे किए थे, उस पर अब काम करना हमने प्रारंभ कर दिया। और आप देखेंगे जिस दिन हमारे मंत्रिमंडल की शपथ होती है उसके अगले दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। कई मंत्री अपने ऑफिस में जाकर अपना काम स्टार्ट करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ के समय जनता की सरकार कहकर जो संदेश देने का प्रयास किया उससे एक आम आदमी को फिर से आभास हुआ कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी है और अब रफ्तार के साथ देश की गति और प्रदेश की गति बढ़ने वाली है, उस ओर हम बढ़ चले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आते ही सभी विभागों की बैठकें ली और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमने भी तय किया कल से मैं प्रदेश कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई भी प्रारंभ करने वाला हूं। 12 से 2 बजे का जनसुनवाई प्रतिदिन पार्टी कार्यालय में मैं बैठूंगा, जयपुर में रहूंगा तब, अन्यथा मेरी जगह कोई और पदाधिकारी यहां पर बैठ के डेली जनता की ग्रीवेंसेस पे काम करने का प्रयास करेंगे और सरकार से उसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, वो मंत्री वाला भी प्रारंभ होने वाला है, संगठन के स्तर पर माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमने उसको प्रारंभ किया है। देखिए, मुझे लगता है कि ये सब जांच का विषय है और लोकतंत्र के अंदर ये सब चीजें शोभा देती नहीं है, फिर भी उचित स्थान पर उन्होंने अपनी बात कही होगी तो निश्चित तौर पर उसकी जांच करेंगे और सरकार को जो उचित लगेगा उस पर काम करेंगे। क्या कारण पहले हुआ था कि पदाधिकारी और मंत्री बैठकर सामूहिक रूप से सुनवाई करेंगे, अभी संगठन को अकेले करना पड़ रहा है, तालमेल इसमें की कभी का विषय नहीं है। चुनाव परिणाम आने के बाद सभी को अपने अपने क्षेत्र में एक बार 2-5 दिन जाकर अपने लोगों को संभालने का क्षेत्र के काम का विषय है। तब तक माननीय अध्यक्ष जी ने और सीएम साहब ने कहा आप प्रारंभ करें और मंत्री वाला रोस्टर भी हमारा जल्दी लागू हो जाएगा। अभी मुख्यालय पर प्रारंभ की है और माननीय अध्यक्ष जी और सीएम साहब बैठकर जल्दी ये तय करने वाले हैं कि जिला स्तर पर भी इस तरह की सुनवाई होगी क्या। देखिए, आम जनता की सुनवाई का मतलब होता है आम जनता की सुनवाई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आए, कोई भी पीड़ित पक्ष आएगा उसकी सुनेंगे और उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी क्या कहते हैं और वो क्या सोचते हैं ये मेरा विषय नहीं है। मुझे ये पता है कि जनता के हित में अगर कोई निर्णय लेने होंगे तो जरूरी हमें उनकी सलाह की जरूरत नहीं है, उनकी सलाह अच्छी होती तो उनकी सरकार आ गई होती। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और विभाग के लोग बैठकर तय करेंगे, जो वो कह रहे हैं वो सत्य भी है क्या। हमें तो लगता है कि माननीय गहलोत साहब जो भी कहते हैं वो बात हवा हवा ही होती है और सिवाय 5 साल में उन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर लालछन लगाने के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए उनकी बात का जवाब देना मुझे आवश्यक नहीं लगता। हम जनता के हित में काम करने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि उन्होंने क्या कहा उस पर मुझे जानकारी नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। बाकी हमारी सरकार जनहित में काम करेगी और ये देखेंगे आप जो कह रहे हैं उसमें 100 यूनिट में क्या है सच्चाई। और हम ये जानते हैं कि किसी भी सरकार के द्वारा चलाई गई कोई योजना और जनता को लाभ देने वाली कोई भी स्कीम हम बंद नहीं करने वाले।
देखिए, उन्होंने अपने मन की बात कही है और मुझे लगता है कि उन्होंने लोकतंत्र में क्या सही है इस पर अपना मत स्पष्ट किया है। बाकी तो उनका सोचना है वो किस दृष्टि से उन्होंने जो बात कही। देखिए, सरकार ने, पिछली सरकार ने जो घोटाले किए उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की जांच चली रही है। उस बीच में एक नया विषय निकल कर आया कि जो पट्टे वाला विषय था, ये सरकार ने कैंप लगाकर कांग्रेस के लोगों को फर्जी पट्टे देने का काम किया। उसमें जेन्युइन जिन लोगों को लाभ मिला है, जिस गरीब आदमी को लाभ मिला है वो उचित था, लेकिन कैंप के माध्यम से अपने लोगों को लाभ देना ये कांग्रेस के लिए और सरकार के लिए अच्छा नहीं था। उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। कहा कि अगर किसी को व्यक्तिगत लाभ देने के लिए या किसी संस्था को लाभ देने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए, विधायक को लाभ देने के लिए, सांसद को लाभ देने के लिए अगर ऐसा किया गया है तो उसकी जांच होगी। जल्दी उसकी जांच पूरी भी हो जाएगी और आपके सामने आंकड़े भी आ जाएंगे। आपको लगता हार हुई है? बीजेपी की कोई हार नहीं हुई। हमने सरकार बनाई है एनडीए की और बहुत अच्छे बहुमत के साथ बनाई है। राजस्थान में जो कुछ सीटें कम हुई है उसकी समीक्षा करेंगे और संगठन स्तर पर जो भी शेष नेतृत्व तय करेगा उस पर काम करेंगे। देखिए, जो जन सुनवाई के समय किस तरह के ग्रीवेंसेस सामने आते हैं ये उस समय पता लगेगा। पहले से कहना बड़ा मुश्किल है कि किस तरह की समस्याएं आएंगी। देखिए, बिजली के लिए अगर कोई आएगा तो उसके कनेक्शन की दिक्कत होगी या किसी चीज की दिक्कत होगी तो अधिकारी को कहेंगे। ये जो आप बात कह रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की बातें ग्रीवेंसेस में आएंगी। धन्यवाद। कोई लंबा प्रोसीजर नहीं, मैं भी सरकार का हिस्सा हूं, इस विधानसभा का सदस्य हूं और जो भी हम भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के और विधायक के नाते कहेंगे अधिकारियों को वो बात सुननी पड़ेगी और वो काम करना पड़ेगा। आम जन की रहेगी। धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है ये योजनावत तरीके से आम जन को भ्रमित करने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हमारे सामने कोई इस तरह का विषय आया नहीं, आएगा तो उसको दिखवाएंगे। ये भ्रमित करने का विषय नजर आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।